हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर विद दीपिका। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सदर बाजार शॉपिंग हॉल। सो गाइस, रिसेंटली मैंने अभी एक सदर मार्केट की एक व्लॉग शूट किया था, जहाँ पे मैंने कोलैब किया था मॉम ब्यूटी शालू के साथ। सो वहाँ पे हम गए थे, सदर मार्केट गए थे, वहाँ पे हमने खूब सारी शॉपिंग की। सो इस वीडियो में दिखाऊंगी आपको मैंने सदर मार्केट से क्या क्या परचेजिंग की है। सो वीडियो में जाने से पहले गाइस, आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। सो नाउ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मैंने वहाँ से कुछ रैंडम चीज़ें खरीदी हैं। जैसे कि मैंने ये हैंकी खरीदे हैं वहाँ पे, 24 का पैक था जो मुझे मिला था 140 रुपीज़ का। 140 रुपीज़ में आपको 24 पीसेज हैंकी के मिल रहे हैं, और जो हैंकी का मटेरियल है वो काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, और इस गर्मी में जैसा कि आप जानते हैं हमें हैंकी की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेशली कॉटन के हैंकी हो तो बहुत अच्छे रहते हैं, और जो इसका मटेरियल है गाइज वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल इस हैंकी का। और जो नेक्स्ट चीज़ मैंने ख़रीदी है, मैंने वहाँ से ख़रीदी है ये हेयरबैंड्स, और इसका प्राइस है जस्ट ₹60 में मुझे ये 12 पीसेस मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे लोकल मार्केट में आपको 10 रुपीज़ का पर पीस मिलता है, वहाँ पे ये आपको 12 पीस मिले हैं 60 रुपीज़ में, जो कि बहुत अफोर्डेबल है गाइस। एंड नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैंने वहाँ से ख़रीदे हैं ये दो तरह के यहाँ पे क्लेचर ख़रीदे हैं, एंड एक का प्राइस है ₹40 एंड एक समथिंग है ₹50 का। इस तरीके से कुछ है, ये 40 का और ये 50 का है, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और 50 रुपीज़ में आपको इसमें 12 पीसेस मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वालिटी की बहुत अच्छी है, और शेड्स देख सकते हैं इसके, आप शेड्स सारे ही अच्छी हैं इसके। एंड इसमें आप दिखा देती हूँ मैं इसका भी आपको, इसके भी शेड्स काफ़ी अच्छे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको 10 से लेकर 15 रुपीज़ का ये पड़ता है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। मैंने जो नेक्स्ट ख़रीदा है वो है आईब्रो रेज़र, और जैसा कि आप सब जानते हैं काफ़ी ट्रेंड में है ये। मुझे इसके बारे में एक्चुअली पता भी नहीं था, मुझे इसके बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया था, शालू ने, सो तभी मैंने ये ख़रीदा। जैसे आपको इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना होता है और आप पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो आपकी जो आईब्रो के जरा से आपको एक दो जो बाल निकल रहे होते हैं ना, उनको रेज करने के लिए बहुत ही अच्छा रेज़र है ये, और स्पेशली आपके फेशियल हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसमें से एक यूज़ कर लिया है, इसमें 3 पीसेज आते हैं, और ये मुझे मिला था आई गेस 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ का समथिंग मुझे ये मिला था, और जो कि बहुत अच्छा है। मैं एक इसमें से यूज़ भी कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छा रेज़र है स्पेशली फेशियल हेयर के लिए, 60 रुपीज़ में बहुत अच्छा है ये। एंड नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदी है ये बटरफ्लाई की क्लिप है, ये क्लैचर है ये छोटे छोटे से, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी प्राइस है आई गेस 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का मुझे ये मिला है। क्यूट सा क्लैचर है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप कलर भी देख सकते हैं, कलर भी कितने प्रिटी हैं इसके। सो या गाइस, एंड नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या ख़रीदा है। नेक्स्ट मैंने ख़रीदी है ये आई लैशेस, जो कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, इसकी पैकेजिंग देख रहे हैं आप, और जस्ट ये मुझे 50 रुपीज़ की मिली है, ये एकदम नेचुरल लैशेस लग रही है, ये बिल्कुल नेचुरल है। एंड इसमें है मेरे पास ये 007, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी, 50 रुपीज़ की जस्ट मुझे ये लैशेस पड़ी है। एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैंने ख़रीदी है एक आई शेडो पैलेट लिया, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। ये है आई शेडो पैलेट जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है, एंड मैं इसका अंदर से दिखाती हूँ आपको। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, और आउटर पैकेजिंग आप इसकी देख सकते हैं कितनी क्लासी पैकेजिंग है। मैं अंदर से आपको शेड दिखा देती हूँ, अंदर से भी ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कॉम्पैक्ट है जैसे कि आप देख रहे होते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली भी है ये। एंड ये कुछ यहाँ से इस तरीके से ओपन होता है, और आप इसके शेड्स देखिए गाइस, सो ब्यूटीफुल, मैं आपको दिखाती हूँ इसके शेड्स देखिए कितने ब्यूटीफुल शेड्स हैं इसके। और आपको यहाँ पे एक मिरर, छोटू सा मिरर मिल रहा है, और एक नीचे भी आपको ये मिरर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैंडी है। एंड यहाँ पे एक आपको इस तरीके का ब्रश मिल रहा है, और इसके शेड्स देखिए आप, बहुत ही पिगमेंटेड शेड्स हैं इसके, काइंड ऑफ ये आई शेडो पैलेट है। इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं इसका रिव्यू डेफिनेटली बनाऊंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो।
सो नेक्स्ट मैंने ये कुछ ग्लिटर आई शेडो खरीदे हैं, वहाँ पे मुझे ये 10 पीसेस में मिला था, 10 रुपीज़ का पर पीस था। एंड इसके मैंने टोटल 4 शेड्स खरीदे हैं, जिसमें से एक है मेरे पास सिल्वर, एक है मेरे पास गोल्डन, एंड थर्ड इज़ पिंक, एंड द फोर्थ इज़ ब्लू। सो मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ एक बार। वो 10 रुपीज़ का वहाँ पे मिल रहा था लोकल मार्केट में, तो मैंने ये परचेज कर लिया। इसके देखिए ब्लू वाली। सो गाइस नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये काइली का ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मुझे मिला है 50 रुपीज़ का। एंड अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं इसका रिव्यू तो मैं डेफिनेटली इसका रिव्यू दूंगी। और ये कुछ इस तरीके का है, आई गेस अच्छा ही होगा, काइली का है। सो गाइस नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये मश्कारा, नियोन का मश्कारा, और इस पर लिखा है ये काफ़ी वॉल्यूमनाइजिंग मश्कारा है, प्लस वाटर प्रूफ भी है। और ये मुझे मिला था 100 रुपीज़ का, और इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी बहुत ही अच्छी है गाइस। ये कुछ सिल्वर कलर की इस तरीके की पैकेज में आता है, देखिए कितना क्लासी सा ये पैकेजिंग, बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये देखिए अंदर से एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें जो मैंने अपना मश्कारा, यही मश्कारा मैंने इसमें इस लुक में यूज़ किया है, और ये मश्कारा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा मश्कारा है ये। एंड तो चलिए नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ख़रीदा है। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है प्राइमर, जो कि है हुडा ब्यूटी का प्राइमर, और ये प्राइमर मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है ये, 100 रुपीज़ का मुझे हुडा ब्यूटी का ये प्राइमर मिला है। और ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है गाइस, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये प्राइमर। सो गाइस नेक्स्ट मैंने जो ख़रीदी है वो है काइली की लिक्विड लिपस्टिक, जो कि मैंने अभी अप्लाई कर रखी है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स है गाइस ये, और मैं आपको दिखा देती हूँ उसका शेड भी। और आप कैसे नहीं कर सकते, मैंने ये जस्ट 50 रुपीज़ में ख़रीदी है, और ये स्मच प्रूफ लिपस्टिक है गाइस, ईजिली आपके लिप्स पे 6 to 8 hours रहेगी ये। सो चलिए मैं नेक्स्ट चीज़ आपको दिखा, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कुछ अपनी ज्वेलरी भी ख़रीदी है, और ज्वेलरी तो मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही औसम है गाइस, और बहुत ही चीप मिली है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपनी रिंग, जो कि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी, लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल है ये। और गाइस ये मुझे मिली है 50 रुपीज़ की, कितनी ब्यूटीफुल है ना। और एक और मैंने रिंग परचेज की है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो रिंग, और ये मुझे मिली है 30 रुपीज़ की। आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये रिंग आप कैरी कर सकते हैं, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है, 30 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा। और ये ब्यूटीफुल सी रिंग, ये 2 रिंग्स मैंने वहाँ से परचेज की है। सो नेक्स्ट अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने वहाँ से कुछ इयर रिंग ख़रीदे हैं, और वो इयर रिंग बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। वो जो इयर रिंग है, जस्ट अंडर 100 रुपीज़ के मुझे ये इयर रिंग पड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये झुमकी स्टाइल इयर रिंग, ये मुझे बहुत सुंदर लगे है इयर रिंग, ये आई गेस मुझे 80 या 90 रुपीज़ के मुझे ये इयर रिंग पड़े हैं, कितने सुंदर हैं। अगर आप कोई एथनिक वेयर कर रहे हैं, कोई भी ड्रेस, आप एथनिक जो ड्रेस वेयर कर रहे हैं उसके साथ ये बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं गाइस। कोई आपने लहंगा पहना है, या कोई आपने अनारकली ड्रेस पहनी है, कोई सूट पहना है, उसके साथ बहुत ही सुंदर लगने वाले ये इयर रिंग, देखिए कितने प्रिटी हैं, मुझे इयर रिंग बहुत अच्छे लगे हैं। और नेक्स्ट पेयर मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ का, देखिए वाओ कितने प्रिटी लग रहे हैं ये इयर रिंग, मुझे तो बहुत अच्छे लगे गाइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, आपको कॉस्मेटिक कोई अच्छा लगा है या इयर रिंग अच्छे लगे हैं। देखिए इसका जो वर्क देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है गाइस। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से ये जो है स्टोन मिल जाते हैं, ये वाले स्टोन है, और यहाँ पे पर्ल का वर्क हो रखा है, यहाँ पे छोटे छोटे मोती हैं, और ये भी जो है सिक्वेंसिंग यहाँ पे लटक रहे हैं, और नीचे देख रहे हैं आप छोटी छोटी सी ये घंटियाँ टाइप की लटक रही है, बहुत ही सुंदर इयर रिंग है गाइज ये।
मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे। इसके अंदर आपको शेड्स भी मिल जाते हैं, उसमें 3 to 4 शेड्स है। जैसे इसमें ग्रीन है, एक रेड था और एक वाइट था और मे बी एक ब्लैक था, बट मुझे ग्रीन शेड ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी है, मैं उसके साथ कैरी कर सकती हूँ इसको। सो इसलिए मैंने ये ग्रीन कलर का चूज़ किया और मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन से इयरिंग ज़्यादा अच्छे लगे। और एक और मैंने वहाँ से परचेज़ की है जो कि मेरे फेवरेट इयरिंग है, ये आई डोंट नो, मुझे ये जो वाइट कलर का जो इसमें वर्क है मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके पास एक्चुअली इसमें बहुत सारी वैरायटी थी और ये जस्ट मुझे 100 रुपीज़ के मिले हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी थी और मेरा मन कर रहा था मैं सारे ही ले लूं, बट मैंने इसमें दो ही पिक किए हैं। और ये जो आप इसका वर्क देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर वर्क कर रखा है इन्होंने, और जो इसकी फिनिशिंग है ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। ऐसा नहीं कि 100 रुपीज़ की है तो लोकल है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है गाइस। जो नीचे आप झुमकी सी देख रहे हैं ये नीचे इसमें छोटे छोटे से जो है मोती से लटक रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसकी फिनिशिंग देखिए, इस साड़ी आप अगर आप कैरी कर रहे हैं उसके साथ बहुत ही प्रिटी लगने वाले हैं इयरिंग। मुझे तो इयरिंग बहुत ही सुंदर लगे हैं। सो गाइस, ये था मेरा सदर मार्केट शॉपिंग हॉल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।